मैं इन ब्लैक तीतर का शौक करता हूँ तकरीबन 30 साल से। ये हमारे पास जो तीतर आते हैं ये हम ज़्यादातर सिंधी नस्ल के रखते हैं। हम इनको छोटे बच्चे पालते हैं और फिर इनको स्टेमिना देते हैं। सुबह से ये रखते हैं, फिर 2-4 बजे से लेकर 5 बजे तक 1 घंटे में हम इसका स्टेमिना चेक करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में जो ज़्यादा स्कोर करे वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है, ऐसे ये हमारा परिंदा जो 1 घंटे में ज़्यादा आवाज़ें करे वो हमारा विनर बन जाता है। फिर इंतज़ामिया वाले हमें एक ट्रॉफी देते हैं, हमें गोल्ड मेडल देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हम इस मैदान में बैठे हैं, हमारे साथ सिंध के, कराची के, हंगू के, मारदान के, चारों सूबों के लोग आए हुए हैं। हम आपस में दोस्त बनकर भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ गपशप भी लगाते हैं। इसकी कीमत तब बढ़ती है जब वो अच्छे स्कोर करने लगे, अच्छा विनर बन जाए। हम इसको खुराक में बादाम देते हैं और काजू वगैरह ये इसको भिगो कर ये देते हैं और इनको मक्खियाँ देते हैं। फिर इनको हम वर्जिश कराते हैं, सुबह उठते हैं सब्जे में बैठ कर इनको एक्सरसाइज देते हैं। फिर 4 बजे के टाइम पर फिर इसको ले जाकर एक्सरसाइज देते हैं और हम इसमें मतलब तीतरों को अच्छी खुराक देते हैं। अगर हमारे तीतरों को आप जंगल में छोड़ें तो ये जाएंगे नहीं, इनको जंगल का पता नहीं क्योंकि ये हमारे साथ छोटे बड़े हुए हैं। बाज़ तीतर ऐसे होता है जो ब्लैक कपड़ों से डरता है, कोई मतलब नीले कपड़ों से डरता है, कोई मोड़े पर रुमाल और डरता है, तो हम सब लोग सफ़ेद कपड़ों में आते हैं। ये हमारे एक दिन का टूर्नामेंट होता है, जो तीतर ज़्यादा बोली करे इंशाल्लाह वो जीतेगा और आज का इनाम जो है वो गोल्ड मेडल है सोने का, वो उनके मिलेगा। इसमें 20 लाख का भी तीतर है, 20,000 का भी है, 50 लाख का भी है। ये सब अपना अपना शौक है, अपने मयार के मुताबिक सब रखते हैं। हम इनका वर्ल्ड लाइफ से तकरीबन हर साल रिन्यूअल कराते हैं। हम इनके लाइसेंस, ये जितने तीतर है स्टंप लाइसेंस होल्डर है जी, यहाँ बगैर लाइसेंस गैर कानूनी कोई तीतर नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं हमें इसके लिए परमानेंट जो है इजाजत नामे में हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि ये अगर जुआ होता तो इस ग्राउंड पर हम जुआ करते, जुआ तो लोग चुप कर कराते हैं।